ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आके खा गए हैं 7 पीस। बिना थप्पड़ का बनेगा ही नहीं, बिना थप्पड़ का बनेगा ही नहीं, ऐसा स्ट्रीट फूड है थप्पड़ मारने। अभी हमें कोलकाता में और यहाँ के ट्राई करने वाले हैं बहुत ही फेमस डिश चौहान विक्टोरिया वड़ा। भैया किस चीज़ से बना रहे हो आप? मूंग दाल। तो ये देखिए मूंग दाल है, उसे ऐसे थप्पड़ से मारा जा रहा है मूंग दाल को और तेल में फ्राई किया जा रहा है। क्या भैया? बिना थप्पड़ का बनेगा ही नहीं, बिना थप्पड़ का बनेगा ही नहीं, ऐसा स्ट्रीट फूड है थप्पड़ मारने। तो ये विक्टोरिया वड़ा नहीं थप्पड़ वड़ा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आके खा गए हैं 7 पीस। 7 पीस? हाँ, दो बार चटनी लिए लाल वाला। चटनी कौन सा लिया है हमें भी दिखाइए जरा। लाल लहसुन का। तो ये वाली चटनी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दो बार खाई थी। हाँ। किस चीज की चटनी है ये? गार्लिक का। गार्लिक की चटनी? अरे वाह। तो जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे डेविड कैमरन, तो उन्होंने भी यहाँ पे विक्टोरिया वड़ा खाया है। क्या बात, रेसिपी लिखवा के ले गए हैं। रेसिपी भी लिखवा के ले गए हैं। तो अंकल एक बात और बता दीजिए मुझे, आप इसे विक्टोरिया वड़ा क्यों कहते हैं? पहले हम विक्टोरिया में थे, वहाँ हमारा बहुत बिकता था। अच्छा, इसलिए वहाँ से हट गए, यहाँ के उससे ब्रांच खोल दिए। अरे वाह, फिर आदमी लोग आना शुरू कर दिया। तो आपके पास ये वड़ा ही मिलता है, कुछ और भी मिलता है? वड़ा कांजी वड़ा। कांजी वड़ा ये वाला? तो यहाँ विक्टोरिया वड़ा के अलावा कांजी वड़ा भी मिलता है, और दिल्ली में जैसा कांजी वड़ा मिलता है पूरे भारत में जैसा मिलता है वैसा नहीं है ये। ये आप देखिए बड़ी अलग सी शेप है यहाँ के कांजी वड़ा की। ये भी थप्पड़ मार मार के बनाए हो क्या आप? बिना थप्पड़ के कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। अरे वाह। और अंकल चौहान आपका ही नाम है, सरनेम होगा आपका? हाँ, हमारा ही नाम चौहान। अरे वाह, सब चौहान, सब चौहान है। तो भाई चौहान साहब का विक्टोरिया वड़ा तैयार हो चुका है। इसमें मूंग दाल के अलावा और क्या डाला हुआ है अंकल? मसाला है। मसाला है? ये आपकी नॉर्मल हरी चटनी, ये धनिया की चटनी, और ये गार्लिक की चटनी। गार्लिक की चटनी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को पसंद आई थी। अभी देखते हैं खा के कैसा स्वाद है इसका। काफी गर्म है, अभी कढ़ाई से उतर के आया है। अंकल वड़े का तो पता नहीं, चटनी का इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है ना, अब मैं समझ सकता हूँ कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दो बार क्यों ली। गार्लिक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, वो हल्की सी खटास भी है। खट्टा किया, खट्टी किस चीज से की हुई है? अमचूर। तो अमचूर से इसमें खटास आई है, और गार्लिक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। चटनी तो सच में लाजवाब हो रही है। ये रेसिपी तो मैं भी आपसे पूछ के जाऊंगा अंकल। जब हम कैमिक स्ट्रीट आए थे तो हमें पता था कि हमें विक्टोरिया वड़ा करना है, लेकिन गर्मी में इतना परेशान हो चुके थे, हमने सोचा इसे नहीं करते, ऐसे चले जाते हैं। फिर हमें लेकिन अंकल का स्टॉल नजर आ गया, हमने सोचा चलो आए हैं तो खा ही लेते हैं। अगर ऐसे ही चले जाते हम बहुत बड़े बेवकूफ़ होते। अगर आप भी कैमिक स्ट्रीट आ रहे हो, ये विक्टोरिया वड़ा खाए बिना बिल्कुल मत जाना। दिखने में भले ही आपको सिंपल छोटी सी चीज़ लग रही हो, सच में अंकल की चटनी में जादू है। आप खाओगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो ये आपको कोलकाता में जरूर ट्राई करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और मेरे चैनल को फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।